Hey Corbin Jagger viewers, आज हम बात करने वाले हैं Love Like the Galaxy episode 32 की. So, let's get started. यहाँ अंदर से आवाज आती है, थर्ड प्रिंस का फ्यूचर ब्राइट है. हमें फ्यूचर में आपकी जरूरत होगी. Of course, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना ही होगा. वो सभी बाहर निकलते हैं. सभी ऑफिशियल रिस्पेक्ट देते हुए चले जाते हैं. मार्कस यू और मिस्टर टियान उन्हें जाते हुए रिस्पेक्ट देता है. मार्कस यू कहता है, हमें पता है ही नहीं कि जो रूमर्स क्राउन प्रिंस पे लगे हैं वो सही भी है या नहीं. यही लोग मतलब ही होते हैं जो अपॉर्चुनिटी का सिर्फ वेट करते हैं. मिस्टर टियान कहता है, यू क्लैन बहुत पावरफुल है, इसलिए सभी हमसे अपना रिलेशन अच्छा करने में लगे हुए हैं. तभी फिर प्रिंसेस की आवाज आती है. वो कहती है, मिस्टर टियान, क्या आपके पास चियांग हीज भी है? आज मुझे वो ड्रिंक खुशी से पीनी है. मिस्टर टियान फिर प्रिंसेस को ग्रीट करता है और कहता है, मैंने वो आपके लिए संभाल के रखी है. मार्कस यू फिर प्रिंसेस को अपने ग्रीटिंग्स देता है. फिर प्रिंसेस कहती है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं आपको इन सभी से मिलवा ही देती हूँ, ये मेरे होने वाले ससुर हैं. सभी मैन उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं. मार्कस यू कहता है, फिर प्रिंसेस, आपका मूड वाकई में कुछ ज्यादा ही अच्छा है, बट क्या एम्प्रेस को पता है कि आप यहाँ हो? फिर प्रिंसेस कहती है, अभी मेरी शादी यू प्लान में हुई नहीं है, येट आप मुझे अभी से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं प्रिंसेस हूँ. मार्कस यू, ये दुनिया वैन फैमिली की है, ना कि यू फैमिली की. सिर्फ मेरी मदर की फैमिली श्वान क्लान ही हमारे बराबर है. वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है. मार्कस यू आगे बढ़ के कहता है, मिस्टर त्यान, मुझे पता है कि यहाँ सिर्फ गेस्ट आते हैं, वो भी एक्टर्स और सिंगर्स. मेरी होने वाली बहू को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसे खूबसूरत मैन के साथ रहना पसंद है. भले ही मैं उसके होने वाला ससुर हूँ, मुझे कुछ उसके लिए करना है जिससे वो खुश हो जाए, यही मेरा उसके लिए गिफ्ट होगा. मिस्टर त्यान कहता है, मैं सब समझ गया. मार्कस यू कहता है, और तुम्हें तो रूमर्स के बारे में पता ही होगा कि उसे कैसे फैलाना है. आफ्टर ऑल हम सभी होने वाली फैमिली है, इसलिए परेशानियों के बारे में बताना सही होगा. मिस्टर त्यान कहता है, आप चिंता ना करें, भले ही मैं और कामों में अच्छा ना हो, मुझे रेस्टोरेंट चलाने का तो एक्सपीरियंस है ही, ताकि गेस्ट एंटरटेन हो सके. रही बात इंफॉर्मेशन की, ये आपसे भी तेज फैल ही जाएगी. मार्कस यू कहता है, मिस्टर त्यान, तुम वाकई में लायक हो. वो हंसता है और वहाँ से चला जाता है. यहाँ शॉशैंक स्क्रॉल को देखती है. वो क्राउन प्रिंसेस से कहती है, आप यहाँ हैं, प्रिंस और प्रिंसेस भी हैं, बट मैजेस्टी मुझसे इतना हार्ड वर्क क्यों करवा रहे हैं? क्राउन प्रिंसेस कहती है, मुझे लगता है फादर ने तुम्हें सही काम दिया है. मुझे हमेशा से साफ देखना पड़ता था, बट तुमने इसे आधे ही दिन में कम्प्लीट कर लिया. वैसे भी एम्प्रेस की बर्थडे पार्टी है, उनके बच्चे होने के नाते सिर्फ एक ही क्राउन प्रिंस है, जी शेंग है और फिर प्रिंसेस है. हम फिर प्रिंसेस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. शाओशेंग कहती है, मैं बस इसे कैलकुलेट कर लूंगी, बट सीटिंग अरेंजमेंट करना, वो भी रैंक के हिसाब से, आधे से ज्यादा को तो मैं जानती भी नहीं हूँ. क्राउन प्रिंसेस कहती है, फादर और मदर तुम्हें पैरेंट्स के तौर तरीके सिखाना चाहते हैं, ताकि तुम उसे समझ सको, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए हूँ. शाओशेंग कहती है, बुई की फ्यूचर वाइफ बनना बिल्कुल भी आसान है ही नहीं. काउंटी को मैनेज करने से ज्यादा ये हार्ड है. जब मैं पुरानी बात सोचती हूँ रॉ काउंटी को रिस्टोर करने की, उस वक्त मैं इतनी मुश्किल में नहीं थी. क्राउन प्रिंसेस कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे हस्बैंड क्राउन प्रिंस होंगे. मेरी फैमिली और रिलेटिव्स ने मेरा यूज किया अपना रैंक बढ़वाने के लिए, बट उन्हें क्या पता, मैं उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए वो लोग मेरी अब बुराई करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी नींद भी भूल गई हूँ, बट उन्हें क्या पता मेरी परेशानियों के बारे में. शाओशेंग कहती है, क्राउन प्रिंसेस, आप ऐसा ना कहें, आप और क्राउन प्रिंस दोनों ही दिल के अच्छे हैं, वे लोग लालची मतलब ही है. क्राउन प्रिंसेस कहती है, क्राउन प्रिंस कवर अप कर रहे हैं जनरल बैंक को, क्योंकि वो उनकी फैमिली की चिंता करते हैं, बट इंपीरियल फैमिली हार्टलेस है. इंस्टेड फैमिली बॉन्ड को प्रायोरिटी देना गलत है क्या? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ. शाओशेंग कहती है, फैमिली बॉन्ड को प्रायोरिटी देना इसमें गलत क्या है? अगर वो लोग हार्टलेस है तो लोग क्राउन प्रिंस का फायदा उठाएंगे. इस दुनिया में सभी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, बट मुझे लगता है कि आप अपना क्लियर ओपिनियन रखो और अपने आप को कहीं भी गिरने मत दो. तभी फिर प्रिंसेस की आवाज आती है, कहाँ है ब्रदर? वो शाओशेंग और क्राउन प्रिंसेस को देखती है. शाओशेंग उसे ग्रीट करती है और कहती है, क्राउन प्रिंस कुछ इम्पोर्टेंट मैटर को डील कर रहे हैं, वो अभी अंदर बिजी है, वो आज आपसे मिल नहीं पाएंगे. फिर प्रिंसेस कहती है, तुम होती बार मेरे सवालों का जवाब देने वाली? क्या इस पैलेस तुम्हारी रहने की जगह है? गेट आउट. क्राउन प्रिंसेस कहती है, फादर ने शाओशेंग को मदर की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने को कहा है, मुझे भी उसमें हेल्प करनी है, इसलिए मैं शाओशेंग को यहाँ ले आई. फिर प्रिंसेस कहती है, ब्रदर अपनी पोजीशन खो सकते हैं, आप ऐसे टाइम में अच्छे बनने का नाटक कर रही हैं. क्राउन प्रिंस आता है, सभी ऑफिशियल उसे रिस्पेक्ट देकर जाते हैं. क्राउन प्रिंस कहता है, फिफ्थ सिस्टर तुम यहाँ ड्रामा क्यों कर रही हो? फिर प्रिंसेस कहती है, उस यूजलेस नामलोंग को मरने दो, फादर को गुस्सा दिलवाना, वो भी उस गधे के लिए, ये कहाँ की समझदारी है? क्राउन प्रिंस कहता है, सिस्टर नामलोंग तुम्हारा भी कजन है, तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो? फिर प्रिंसेस कहती है, मैं हार्टलेस?
थर्ड प्रिंसेस वेट नहीं करती कि क्राउन प्रिंस कोई गलती करे ताकि वो उसे पकड़े। फिर भी आप इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपनी पोजीशन को खो देंगे तो चैंगरी पैलेस की कोई इज्जत रहेगी नहीं। क्राउन प्रिंस कहता है तुम बस पावर की चिंता करती रहो, फैमिली की नहीं। अगर सिर्फ मैं अपनी चिंता करूं और अपनी फैमिली को बीच रास्ते में ही छोड़ दूं तो मैं क्राउन प्रिंस कहलाने के लायक हूं ही नहीं। तो प्रिंसेस कहती है क्या तुम क्राउन प्रिंसेस कहलाने के लायक हो? अगर मैं लड़का होती तो तुम कभी भी क्राउन प्रिंस नहीं बन पाती। शासन कहती है फिर प्रिंसेस आप सोच समझ कर बात करें, आप इस तरीके से क्राउन प्रिंस से इस तरह बात कर रही हैं क्योंकि वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, ये आप सब जानती हैं। अगर हाइनेस वैसे नहीं जैसा आपने कहा तो प्रिंसेस आपने तो क्राइम ही कर दिया। तभी क्राउन प्रिंसेस कहती है फिर सिस्टर आप बार बार कह रही है कि हाइनेस फादर को गुस्सा न दिलाए, बट आप मैरिज को रिजेक्ट करती जा रही है। क्या उससे फादर गुस्सा नहीं होंगे? हाइनेस ने कभी भी आपकी मैरिज में इंटरफेयर नहीं किया। आप उन पे गुस्सा इसलिए उतार पा रही हैं क्योंकि उनकी पोजीशन अभी स्टेबल नहीं है। फिर प्रिंसेस कहती है ऑफ कोर्स वो मेरे में इंटरफेयर नहीं करते, बट क्या पहले वो तुमसे शादी करने के लिए राजी थे? सभी को पता है कि ब्रदर किसे पसंद करते थे। ब्रदर को तो सिर्फ तुमसे इसलिए सिंपैथी है क्योंकि तुम्हारी फैमिली पुअर थी, और अगर वो तुमसे शादी के लिए मना कर देते तो तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती होती, इसलिए तुम यहाँ क्राउन प्रिंसेस हो। क्राउन प्रिंस कहता है तुम चली जाओ, तुम्हें यहाँ आने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। जब तुम यूग्लैंड में शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारा दहेज बढ़ा दूंगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर प्रिंसेस कहती है तुम रॉन्ग फैमिली को जरूर डुबा दोगे, मैं मदर को ये सब बताने जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग एम्प्रेस के पास जा रही होती है, वो बाहर मेट से पूछती है एम्प्रेस कैसी है। मेट कहती है प्रिंसेस की ड्रामे के बाद एम्प्रेस बहुत अपसेट हो गई है, उनका दिल बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसलिए वो ना तो खा रही है और ना ही कुछ कह रही है। शाओशेंग कहती है मैं बात करके आती हूँ। मेट शाओशेंग को रोकते हुए कहती है एम्प्रेस अभी किसी से भी नहीं मिलना चाहती है, तुम्हारा जाना बेकार है। शाओशेंग कहती है जब पेरेंट्स को चिंता हो या फिर वो बीमार हो वे हमेशा कहते हैं कि उन्हें किसी से भी नहीं मिलना, बट गॉड नोज वो ये उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे उनसे मिले। क्या आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती? मेरे पास एक प्लान है, अगर आप बिलीव ना करें तो। यहाँ अंदर जीतांग एम्प्रेस को चलाती है, बट एम्प्रेस खाती नहीं है। जीतांग कहती है पूरा दिन हो गया आपने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, आप कुछ तो खा लीजिए, आप उन रूमर्स को अपने दिल पे ना ले। तभी शाओशेंग अंदर आती है और कहती है एम्प्रेस देखो तो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। जीतांग कहती है एम्प्रेस का खाने का मन है ही नहीं। शाओशेंग कहती है मैं यहाँ खाने के लिए मनाने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो एम्प्रेस की हेल्प लेने आई हूँ। शाओशेंग दिखाती है और पूछती है ये क्या है? एम्प्रेस कहती है ये तो। शाओशेंग कहती है ये खीरा है जो मैंने अपने घर पे उगाए हैं, मैंने इन्हें बड़ी मुश्किलों से बड़ा किया है। खीरा ट्रिब्यूट है वेस्टर्न रीजन की तरफ से, मैंने पहले इन्हें कभी भी नहीं खाया, बट आपने तो खाया ही होगा। क्या आप टेस्ट करके बता सकती हैं कि जो मैंने इस कीड़े को उगाए हैं क्या ये वाकई में वेस्टर्न रीजन से आते हैं? शाओशेंग उसे खिलाती है, एम्प्रेस खाती है और कहती है इसमें इतना नमक क्यों है? शाओशेंग कहती है अरे मैंने इसे अचार के डिब्बे में रख दिया और नमक भी डाल दिया, जमीन से यहाँ लाई मैं तो भूल ही गई। अच्छा इसमें ज्यादा नमक है, तो नमक कम करने के लिए आप इसे हुए। एम्प्रेस खाती है, शाओशेंग पूछती है अभी भी नमक लग रहा है क्या? एक और चम्मच ले, वो एम्प्रेस को खिलाती है। एम्प्रेस कहती है तुम्हारे कीड़े तो वाकई में भूख भराते हैं, मैंने थोड़ा सा कुछ खा लिया, अब तुम चिंता मत करो। शाओशेंग कहती है मैं आपको यहाँ खिलाने कहाँ आई थी, मैं तो आपकी हेल्प लेने आई थी, आपने तो बताया ही नहीं कि जो कीड़े मैंने उगाए हैं क्या वो वेस्टर्न रीजन से बेहतर है। एम्प्रेस कहती है सब तुम ही हो जो ऐसी ट्रिक कर सकती हो, मैं कंपेयर कैसे कर सकती हूँ जब उसमें इतना नमक था। शाओशेंग मुस्कुराती हुई कहती है अगर ऐसी ही बात है तो अगली बार मैं इसमें मीठा लेकर आऊंगी, क्या आप मीठा टेस्ट करेंगी? एम्प्रेस कहती है ये नमक कम नहीं कर सकता। शाओशेंग कहती है तो मैं इसे खट्टा बनाकर लेकर आऊं? एम्प्रेस हंसते हुए कहती है तुम वाकई में बहुत शैतान हो, तुम्हारे इस स्किल से मुझे कितनी बार खिचड़ी खानी पड़ेगी जिसमें तुम खीरे अलग अलग तरीके से लाओगी। शाओशेंग कहती है अगर आप खा लेंगे तो मैं आपसे कुछ भी पूछने नहीं आऊंगी। एम्प्रेस हंसती है और कहती है अभी भी मेरे मुंह में नमक महसूस हो रहा है। शाओशेंग उसे खिचड़ी देती है और उसे खिलाती है। मेट जीतांग को बाहर ले जाती है, बाहर मेट कहती है कि हमें बीच में नहीं आना चाहिए। शाओशेंग और एम्प्रेस की कॉन्वर्सेशन में मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एम्प्रेस को ऐसा इंसान मिलेगा जो उनकी तसल्ली देगा, जनरल लिंग ने वाकई में अपने लिए अच्छी वाइफ ढूंढी है। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जीतांग अंदर देखती है, तभी एक सर्वेंट आती है और कहती है मिस यू आप बाहर क्यों करी है? जीतांग कहती है शाओशेंग एम्प्रेस के साथ है, मैडम जाई ने कहा है कि हम उन्हें डिस्टर्ब ना करें। सर्वेंट कहती है इस मिलिट्री जनरल की बेटी ने ऐसा चांस ढूंढ लिया ताकि वो अपनी रैंक बढ़वा सके, उसे पैलेस में आने में ज्यादा टाइम कहाँ हुआ है? क्यों अब क्या हमारे लिए कोई जगह बची है जहाँ पे वो है ही नहीं? हम नॉर्थ वेस्ट के निकले कहाँ है, बट इसे देखो तो हायर लेवल पर पहुँच चुकी है, हम भूल कैसे सकते हैं? इसने तो एम्प्रेस को भी आपसे छीन लिया और जनरल लिंग को भी। अगर आप जनरल लिंग से शादी कर लेती तो हमें बेकार जगह नॉर्थ वेस्ट जाना नहीं पड़ता,
तभी जीता मुझसे रुकती और कहती है तुम ध्यान पास करो, मैं तुम्हें बोलने के लिए मना कर रही हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किल हो नॉर्थ वेस्ट में, ये हमारी किस्मत ही होगी। वो किस्मत के साथ पैदा हुई है, इसलिए उसे अच्छा हस्बैंड मिल रहा है और उसे एम्प्रेस प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए हमें गुस्सा होने की क्या जरूरत है। सर्वन कहती है मिस लू आप बहुत अच्छी है, अगर वो प्रिंसेस ना होती तो कोई भी उन्हें बचा नहीं पाता। एम्प्रेस से करीब होने की वो कोशिश कर रही है, क्या प्रिंस और प्रिंसेस उसे ऐसा करने देंगे। जी डॉग मुस्कुराती है। अंदर शाओशांग एम्प्रेस से कहती है एम्प्रेस क्यों ना मैं खीरे की डिश आपकी बर्थडे पार्टी में रखवा दूं। एम्प्रेस कहती है तो अच्छी बात है कि कॉमन डिशेस हों, क्योंकि पैलेस अपने खर्चों में कटौती कर रहा है, इसलिए मैं वेस्टर्न रीजन की डिश कैसे यूज कर सकती हूँ। शाओशांग कहती है मैंने सब कुछ देख लिया है कि खीरे को उगाना कैसे है, हम उसे खुद ही उगा सकते हैं, इससे हमारे ज्यादा खर्चे नहीं होंगे। मैं जीशांग से इसमें हेल्प मांग लूंगी ताकि हम जमीन पे उसे उगा सके। हम पैलेस में खीरे वहाँ उगा सकते हैं जहाँ जगह खाली है, ताकि जो भी ऑफिशियल वहाँ होंगे वो वेस्टर्न रीजन के खीरे खा सकेंगे। आपको क्या लगता है। एम्प्रेस कहती है मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से एडवाइस लेने की जरूरत है, उन्होंने इतनी समझदार लड़की को बड़ा कैसे कर दिया। मैं बस जानती ही नहीं कि अच्छे पेरेंट्स कैसे बनते हैं, इसलिए शायद मैं अपने बच्चों को सही से सिखा नहीं पाई। शाओशांग खड़े होकर ग्रीटिंग देती है और कहती है एम्प्रेस आप मेरे पेरेंट्स को यहाँ जल्दी बुलाएं। मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं बेकार हूँ जो है कुछ भी नहीं कर सकती है, सो अगर आप उन्हें यहाँ बुलाएंगी आप मेरी तारीफ करना ताकि उन्हें पता चले कि मैं बेकार नहीं हूँ। बट उन्होंने कभी भी मुझे अप्रिशिएट किया ही नहीं और दूसरों के बच्चों से मेरा कंपैरिजन करने लगे। अरे हाँ आप उन्हें बताना कि आप जैसे पेरेंट जो शांति से और अपने बच्चों को पनिश नहीं करते वो गुड पेरेंट्स होते हैं। एम्प्रेस फंसती और कहती है कोई भी बच्चे पूछते नहीं है कि उनके पेरेंट्स को पढ़ाओ, बट तुम गलत हो। सभी पेरेंट्स इस दुनिया में यही सोचते हैं कि उनके बच्चे सबसे अच्छे हैं, वो दूसरों के बच्चों से इसलिए कंपैरिजन करते हैं ताकि वो अपने बच्चों को सिखा सके। अगर आप उन्हें ये चॉइस दें कि उनके बच्चों के बदले दूसरों के बच्चों को बदल लें, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। शाओशांग कहती है बट बिना नाराजगी के रिश्ते चलाना आसान है क्या। एम्प्रेस कहती है एज अ पेरेंट उन्हें ये सब क्यों पता नहीं चलेगा, हम बस बीते वक्त में जा नहीं सकते। जब बात अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आती है जिसमें हम उन्हें पढ़ाते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं ताकि वो फ्यूचर में गिर ना जाए, इसलिए जब बच्चे स्ट्रांग बनते हैं पेरेंट्स को उनकी चिंता नहीं होती। फोर्स हम उन्हें नहीं, एक्चुअली हम अपने आप को फोर्स करते हैं। शाओशांग बाहर निकलती है, बाहर कॉन्फ्रेंस होता है। वो कहता है अब मदर अंदर कैसी है। शाओशांग कहती है अगर आपको जानना है तो आप अंदर जाकर उनसे मिले। क्राउन प्रिंस कहता है मैं लायक नहीं हूँ, मैंने फादर की उम्मीद तोड़ दी, उसकी वजह से मदर दुखी भी हो गई। फादर ने कहा कि मैंने रिलेटिव को ही ऑफिशियल बनाया और जल्दबाजी में डिसीजन भी लिया, शायद मैं क्राउन प्रिंस कहलाने के लायक हूँ ही नहीं। शाओशांग कहती है कि आपको लगता है एम्प्रेस इसलिए दुखी है क्योंकि आप अच्छे क्राउन प्रिंस नहीं है, वो इसलिए नहीं क्योंकि आप दुखी है, परेशान है, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं और एक झटके में आपको गिराना चाहते हैं, इसलिए वो अपने आप को ब्लेम कर रही है और वो दुखी है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो फेल हो गई है जो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। एज अ मदर भले ही आप क्राउन प्रिंस हैं बट आप एम्प्रेस और मैजेस्टी के बेटे हैं, आपको अपनी पोजीशन यूज नहीं करनी चाहिए जनरल बॉन्ग के लिए, बट आप एक कजन की तरह उनसे मदद मांग सकते हैं, ये तो फैमिली के लिए गलत नहीं होगा। बट मैजेस्टी आपसे इसलिए डिसअपॉइंट हुए क्योंकि आप नरम दिल के हैं, बट एक फादर की तरह वो आपसे डिसअपॉइंट कैसे हो सकते हैं जब उनका बेटा सही हो। हाइनेस अगर आप मैजेस्टी और एम्प्रेस को इस मैटर के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे वो आपसे डिसअपॉइंट जरूर होंगे। उन्हें लगेगा कि वो आपको पढ़ाने में फेल हो चुके हैं। क्राउन प्रिंस कहता है थैंक यू फॉर योर एडवाइस मिस चैंग, अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ मैजेस्टी स्क्रोल फेंकता है और कहता है मुझे अभी डिसाइड करना है येट या फिशर क्राउन प्रिंस के पीछे पड़ गए हैं ये लालची लोग और उसकी जरूरतें। उन्हें काउ स्क्रोल उठा के कहता है मैजेस्टी आप शांत हो जाएं। वे ऑफिशियल बस गैस कर रहे थे कि आप क्या करने वाले हैं। मैजेस्टी कहता है वो होते कौन है कहने वाले, तभी ही मेरा बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है या नहीं। तभी अनाउंसमेंट होती है मैजेस्टी क्राउन प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं। मैजेस्टी कहता है चलो, वो मुझसे मिलने आ ही गया, अब ऐसा अर्जेंट क्या है, कहे उसे कि अंदर आए। क्राउन प्रिंस अंदर आकर अपने ग्रीटिंग देता है। मैजेस्टी कहता है क्या तुम मुझसे इतनी देर रात को कुछ कहने आयो। क्राउन प्रिंस कहता है फादर मैं ढंग से सो नहीं पा रहा था, क्या मैं आपके साथ चेस खेल सकता हूँ। मैजेस्टी कहता है आर यू श्योर तुम यहाँ इसी मूड में आयो, चलो ठीक है, वैसे भी बहुत टाइम हो गया हमने चेस खेला ही नहीं। मुझे याद है जब तुमने चेस को सीखा था तुम इधर उधर बांध जाते थे, एक जगह टिकते कहाँ थे। तुम्हें पता है मैं सोचता था कि तुम्हें टेबल के साथ वहीं चिपका दूं। दोनों हंसते हैं, वो गेम को स्टार्ट करते हैं, दोनों अपनी अपनी बारी खेलते हैं। यहाँ वो ही शाओशांग से कहता है आज कुछ अच्छा हुआ है क्या, तुम्हारा मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है। शाओशांग कहती है शुरू में कुछ भी अच्छा नहीं था बट आज मैंने एक परेशानी को सॉल्व कर दिया जिसकी वजह से मैं और भी ज्यादा खुश हूँ। वो कहता है तब प्रिंसेस को पनिशमेंट मिल चुकी है, वो बाहर नहीं आएगी जो भी उन्होंने मेरे अंकल की मेमोरियल में किया, क्या तुम इससे खुश हो। शाओशांग कहती है आई एम सॉरी,
मेरा जन्म हूँ कि मेमोरी सर्विस को खराब करने का मन नहीं था। मैं तो बस वही कहता है, तुम हमेशा से मुझे पावरफुल और मेरे साथ कुछ भी तुम डिस्कस नहीं करती थी, पर तुम अपनी मर्जी से काम नहीं करती क्या? नाओ नाओ, तुम जिस तरह से बिना सोचे समझे बिहेव करती हो, इससे मुझे चिंता होती है। शौशन कहती है, क्या तुम मुझे डांटने नहीं वाले? ब्रुई कहता है, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो तुम मुझे वो सब करने दोगी जो भी मैं चाहता हूँ। तुम्हारे पैलेस में कोई भी पोजीशन नहीं है, अगर तुम जाओगी तो वो सभी मेरे दुश्मन होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें बचाऊंगा चाहे तुम कुछ भी करो, बट उन सब के लिए तुम्हें मुझे एक चांस देना तो होगा। शौशन कहती है, आज? ब्रुई कहता है, आज क्या हुआ? शौशन कहती है, एम्प्रेस बहुत दुखी थी क्योंकि वो रूमर्स थी कि मैजिस्ट्री क्राउन प्रिंस को उनकी पोजीशन से हटा रहे हैं, बट क्या तुम्हें पता है उस दिन क्राउन प्रिंस के पीछे कौन था? यानवी कगोरा में। वो ही कहता है, शौशन इतने सालों में क्राउन प्रिंस काइंड है, उनके बिहेवियर की वजह से लोग उनका यूज कर रहे हैं, इसलिए जो लायक नहीं है वो सभी टॉप पोजीशंस पे बैठे हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग खुश नहीं है। इस मैटर में तहत लोग इन्वॉल्व है, तुम बस एक बात का याद रखना, अपने आप को इन सब में इन्वॉल्व मत करना, बेहतर होगा कि तुम इस पैलेस में ना जाओ। अरे हाँ, तुम क्या अच्छी बात बताने वाली थी? वो क्या है? शौशन कहती है, एम्प्रेस ने एक कटोरी खिचड़ी और खा ली। यहाँ क्राउन प्रिंस और मैजेस्टी गेम खेलते हैं, दोनों अपनी अपनी चालें चलते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है, फादर मैं तो हार गया। मैजेस्टी कहता है, हार गए? तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तुम मुझे गेम के बीच में जीतने का मौका दे रहे हो? क्यों, अब तुम हार कर मुझसे फेवर मांगना चाहते हो जैसे ऑफिशियल मांगते हैं? क्राउन प्रिंस कहता है, फादर क्या आपको पता है मैंने चेस खेलना कैसे सीखा? अगर आप उस दिन मुझे ट्रूप के साथ नहीं भेजते उस वक्त तो मैं तब क्राउन प्रिंस भी नहीं था। आपने चेस बोर्ड मेरे लिए पुराने वाले घर के पेड़ से बनाई थी, उसने पत्थर से अपने आप लिखा था, मुझे चेस खेलना भी सिखाया, मुझे चेस खेलना पसंद आ जाए इसलिए बार बार मुझे जीतने देते थे। एक छोटा बच्चा जिसने सिर्फ चेस खेलना ही सीखा हो सभी गेम को इतनी आसानी से कैसे जीत सकता है? क्योंकि आपने उसे जानबूझकर जीतने दिया, उस वक्त आप मुझे आसानी से हरा सकते थे, बट आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको मेरी फीलिंग्स की चिंता थी। वही मुझे अब फील हो रहा है, मेरे दिल में फैमिली की फीलिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जीतने या हारने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं आखिरी में हार गया तो मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगा। मैजेस्टी कहता है, मैं सब समझ गया, बहुत लेट हो गया है, तुम जाओ रेस्ट करो, कल असेंबली में लेट मत होना। क्राउन प्रिंस ग्रीटिंग देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे ही दिन मैजिस्ट्री असेंबली में कहता है, मैंने सबके ओपिनियन को पढ़ा, क्राउन प्रिंस लॉयल और माफी देने वालों में से है, वो वैसा नहीं है जैसा आपने कहा, जो बिल्कुल बेकार है, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, क्राउन प्रिंस अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, तीनों आर्मीज उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, मैं टाइगर सी क्राउन प्रिंस को देता हूँ। क्राउन प्रिंस खुशी से उठता है और मैजिस्ट्री को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। वो मैजिस्ट्री को रिस्पेक्ट देता है, उनका काओ टाइगर सील क्राउन प्रिंस को देता है, क्राउन प्रिंस उसे ले लेता है, तभी मार्कस यू कहता है, मैजिस्ट्री मुझे आपसे कुछ कहना है। वांग जुंग और उसका बेटा वांग लॉन्ग अपनी पोजीशन से हट गए क्योंकि वो डाकू को दबाना चाहते थे, इसकी वजह से सारी आर्मी खतरे में पड़ गई। मैजिस्ट्री उन्होंने मिलिट्री ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। ग्रैंड ट्यूटर यू कहता है, मार्कस यू अब गलत है, उन डाकुओं ने लोगों को बहुत परेशान किया, गैरिसन ट्रूप्स होने के नाते जनरल वांग लॉन्ग ने वहाँ पीस मेंटेन किया, इससे डाकू दब गए वो भी लोगों के लिए, बट इसमें मिलिट्री ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, ये गलत कैसे है? मार्कस यू कहता है, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, आप मुझे बीच में ही टोक रही हैं। क्या आप उसे डाकुओं को दबाना चाहते हैं? जैसा मैं जानता हूँ वांग लॉन्ग उन डाकुओं के कब्जे में आ गया, हमें पता ही नहीं कि वो आज जिंदा है भी या नहीं। ग्रैंड ट्यूटर लू कहता है, मैजिस्ट्री जनरल वांग लॉन्ग डेंजर सिचुएशन में फंस गए क्योंकि उन्होंने लीड ली थी, मुझे नहीं समझ आया कि मार्कस यू उनकी परेशानियों में कैसे खुश हो सकते हैं। मार्कस यू कहता है, अरे तुम्हारा क्या मतलब है? तभी वांग सोंग भाई कहता है, उन डाकुओं को दबाने के लिए हमारे पास क्या टाइम ही था? वांग लॉन्ग कैपेबल नहीं है, अब इस बारे में बकवास करने का क्या फायदा कि वो सही है या गलत? अगर आप मुझसे पूछें तो हम इस चांस को देखकर डाकुओं को पूरी तरीके से खत्म ही कर दें, हम इन सबका अच्छा मौका उठाकर अपना खजाना और भी बढ़ा सकते हैं। एक ऑफिसर कहता है, कहना आसान है, जनरल बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं और जनरल इनकी शादी होने वाली है, उन डाकुओं को खत्म करने वाला कौन होगा? सोंग भाई उठता है और कहता है, मैजिस्ट्री मैं ट्रूप्स को लेकर जाऊंगा और उन डाकुओं को खात्मा कर दूंगा। मार्कस यू कहता है, हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि वांग जिनको कैसे पनिश करें, बकवास करना बंद करो। सोंग भाई कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैजिस्ट्री कहता है, तुम्हें जो कुछ भी कहना था कह दिया, अब मैं कह रहा हूँ उन डाकुओं ने परेशानी की जिसकी वजह से लोग परेशान हुए, इसलिए ये नॉर्मल है कि वांग लॉन्ग ने उन डाकुओं को दबाने के लिए ट्रूप्स को भेज दिए, उसने आर्मी को डेंजर में डाला क्योंकि वो लालची बन बैठा मेरिट्स के लिए, वो जनरल बनने के लायक है ही नहीं, बट ये वांग लॉन्ग की गलती है। बट इससे वांग चुन को क्यों घेरा जा रहा है? आज के बाद वांग लॉन्ग के सारे ट्रूप्स उसके फादर हैंडल करेंगे, उसे जनरल की पोजीशन से हटा दिया जाएगा, उसने जो डाकुओं को रोका
जी शाइन बोल कहता है यस मैजेस्टी। मैजेस्टी कहता है तुम सभी जनरल के साथ मिलकर एक स्ट्रेटेजी बनाओ। क्राउन प्रिंस मैंने तुम्हें सील दे दी है, जब भी तुम्हारा टाइम आएगा तुम खुद जनरल और ट्रूप्स को इकट्ठा करके उन्हें भेज देना। सभी मैजेस्टी को ग्रीटिंग देते हैं। यहाँ क्राउन प्रिंस बुई से कहता है फाइनली फादर मान गए वांग लोंग को बचाने के लिए। जी शेंग मुझे लगता है ईस्ट पैलेस में सील रखना सेफ नहीं है, मैंने बहुत सोचा। क्या तुम इस सील को अपने पास सेफ रख सकते हो? वो ये सील क्राउन प्रिंस को देता है और कहता है मैजेस्टी ने ये टाइगर सील आपको दी है क्योंकि वो आप पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। आप इसे अपने पास ही रखें और किसी को भी ना दें। जिस दिन आप ट्रूप्स को जाने के लिए कहेंगे उस दिन ये सील आपके बहुत काम आएगी। क्राउन प्रिंस कहता है बट वो ही कहता है डोंट वरी इंपीरियल पैलेस में कड़ा पहरा है, जब तक आप इस सील को ईस्ट पैलेस के बाहर लेकर नहीं जाएंगे कोई भी इसे लेने की हिम्मत नहीं करेगा। बट मैं एक बात नहीं समझ पाया, मैजेस्टी जनरल वांग को पनिश करने वाले थे, आपने मैजेस्टी को कैसे कन्विंस कर लिया? क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है मुझे शाओशेंग ने एडवाइस किया, फिर मैंने फादर के साथ चेस भी खेला और पुरानी बातें याद की। फादर ने हमारी पुरानी बातों के बारे में सोचा सो इसलिए उन्होंने जनरल वांग और मुझे चांस देने के बारे में सोचा। जी शेंग तुम और शाओशेंग मेरे लक के स्टार हो। तभी एक फ्लैशबैक आता है जिसमें बुई को शाओशेंग की बात याद आती है, वो ये सब समझ जाता है। वो ये क्राउन प्रिंस को ग्रीट करता है। यहाँ शाओशेंग बुई के पास आती है, शाओशेंग उसे देखती है और कहती है तुम मुझे घूर के रहे हो। बुई कहता है क्या वो तुम थी जिसने क्राउन प्रिंस और मैजेस्टी को मिला दिया? शाओशेंग हाँ करती है। बुई कहता है अब मैजेस्टी वांग चुन को गलत ठहराने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, अब तुम खुश हो? शाओशेंग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? बुई कहता है मैजेस्टी ने वांग फैमिली को छोड़ दिया क्योंकि तुमने क्राउन प्रिंस को सोल्यूशन दिया। शाओशेंग मैंने तुम्हें कई बार कहा ईस्ट पैलेस के मैटर में बीच में मत पड़ो और तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि शाओशेंग कहती है क्या मैं एम्प्रेस को दुखी देखूं और इनकी मदद बिना करूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है वांगचुन, एम्प्रेस मुझे अच्छे से ट्रीट करती है इसलिए मैं सिर्फ उनके बारे में सोचती हूँ। बुई कहता है जो कुछ भी तुमने किया उसकी वजह से मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शाओशेंग कहती है एम्प्रेस तुम्हें अपने बेटे के समान देखती है, क्राउन प्रिंस तुम्हें अपने ब्रदर की तरह ट्रीट करते हैं, तुम खुश क्यों नहीं हो रहे हो कि मैजेस्टी अब उन्हें ब्लेम नहीं कर रहे हैं? वही कहता है तुम्हें क्या लगता है जो कुछ भी तुमने किया वो सब सही है? तुमने देखा मैडम शूजन ने एम्प्रेस के साथ क्या किया? अब मैजेस्टी वांग फैमिली को रिस्पांसिबल नहीं मान रहे, सारे ऑफिशियल कोर्ट में सब नाखुश है और नाराज भी है एम्प्रेस और क्राउन प्रिंस से। तुम्हें पता ही नहीं कि हर कोई नजरें गड़ा के रखा है ईस्ट पैलेस की पोजीशन पर। तुमने जो कुछ भी किया उससे क्राउन प्रिंस की हेल्प नहीं हुई बल्कि तुमने उन्हें और भी फंसा दिया। इतना ही नहीं तुमने इसमें एम्प्रेस को भी बीच में घसीट लिया, जो कुछ तुमने किया उससे हालात अब और भी खराब हो जाएंगे उनके लिए। शाओशेंग कहती है मैंने इस सब के बारे में सोचा नहीं। बुई कहता है भले ही तुम्हें पता ना हो आगे से बढ़ चढ़ के कुछ भी मत करना। शाओशेंग अब मैं दोबारा कह रहा हूँ पैलेस अफेयर्स ऐसे हैं कि अगर कोई उसमें गिरेगा तो सब उस पे गिरते चले जाएंगे, तुम जैसा सोचती हो वैसा ये सब आसान है ही नहीं। शाओशेंग कहती है मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड पर्सन हो, तुम हमेशा कहते हो कि मैं कुछ भी नहीं जानती पर तुम मुझे कभी भी कुछ बताना नहीं चाहते, तुम्हारे प्लान तुम्हारी स्कीम्स तुम्हारे आइडियाज तुम मुझे कुछ भी कहाँ बताते हो, इसलिए मैं हर बार तुम्हारे रास्ते में आ जाती हूँ। वही कहता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता क्योंकि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। शाओशेंग कहती है बट मुझे चिंता नहीं है कि मैटर कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बस नॉर्मल पर्सन से शादी करके नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, रॉयल कोर्ट पैलेस रॉयल्टीज इन सब से मेरा क्या काम, लेकिन वही वो तुम ही थे जिसने मुझे इन सब में धकेल दिया, हम दोनों शुरू से ही अलग थे। एट फर्स्ट मैं हेजिटेट हुई तुमसे शादी को लेकर पर जब मैंने तुम्हारे साथ साथ रहने का सोचा तो मुझे वो सब करना पड़ा है जो मैं पसंद भी नहीं करती, बट अब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हारी दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मेरी जैसी बेवकूफ लड़की को इन सब में पढ़ना नहीं चाहिए। वही कहता है मैं तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं चाहता शाओशेंग, मैं बस तुम्हें डेंजर में डालना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे भले के लिए ही ये सब कह रहा हूँ। शाओशेंग कहती है मदर भी ऐसा ही कहती थी, तुम सभी कह रहे हो मेरे भले के लिए क्योंकि मैं ज्यादा अच्छी नहीं हूँ है ना? वही कहता है नहीं है। शाओशेंग कहती है मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें कैसे सेटिस्फाई करूँ वो भी अपने आप को बदले बिना, बट मैं ऐसी ही हूँ, मैंने कभी भी चिंता नहीं की, जो भी मैंने किया अपनी मर्जी से किया, आई एम सॉरी मैं तुम्हारी उम्मीदें पे खरी नहीं उतरी। वो ये कहता है जैसे ही जाती है बुई उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। बुई कहता है शाओशेंग, शाओशेंग उसका हाथ झटकाती है और कहती है मैं घर खुद ही चली जाऊंगी। शाओशेंग घर पहुंचती है तो बैठती है उसे बुई की बातें याद आती है जो उसे चुभ रही होती है, वो सभी बातें ही सोचती है और कहती है लिंग बुई तुमसे शादी करना बहुत मुश्किल है। वो कैंडल को बंद करती है, तभी एपिसोड एंड होता है। वे व्यूअर्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।